Hello everyone, this is Shalini and now we will do multiple choice questions of lesson number 3 of biology of 11th class and lesson number 3 is your plant kingdom. So let's start and solve multiple choice questions. So question number 1 is cyanobacteria are classified under. Cyanobacteria kiske under classify kiye jate hain? Cyanobacteria aate hain hamare प्रोटिस्टा के अंदर, प्लांट के अंदर, मोनेरा के अंदर या एल्गी के अंदर. तो साइनोबैक्टीरिया आर कम्स दे कम अंडर किंगडम मोनेरा. ठीक है, मोनेरा के अंदर आते हैं. जो प्रोटिस्ट होते हैं उसमें क्या आते हैं? सारे हमारे यूकेरियोट्स आते हैं. प्लांटे में सारे किंगडम प्लांट के वो आते हैं, मेम्बर्स ऑफ किंगडम प्लांट. एंड दे आर यूकेरियोटिक क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्लांट्स. दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड होलोफिटिक. और जो मोनेरा में आते हैं वो क्या आते हैं? हमारे प्रोकैरियोट्स आते हैं. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट विच इज डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज. ठीक है, फ्यूजन ऑफ दो मोटाइल गैमेट का पर वो डिसिमिलर है, इक्वल नहीं है साइज में, उनको क्या बोला जाता है? तो इसको ऊगैमी कहते हैं, आइसोगैमी कहते हैं, एनाइसोगैमी कहते हैं या ज़ूगैमी कहते हैं. तो इसको एनाइसोगैमी कहते हैं. फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज एनाइसोगैमी. क्वेश्चन नंबर 3, होल्ड फास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ. ये किसके केस में होती है? रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी या ऑल ऑफ दीज. तो ये होती है हमारी सी, फ्योफाइसी के केस में. द प्लांट बॉडी ऑफ फ्योफाइसी इज अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट. अगर आपको याद होगा तो ये मैंने बुक में ऑलरेडी एक्सप्लेन करवा दिया है आपको चैप्टर में. ठीक है, स्टॉक होता है, स्टाइप होता है और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको फ्रॉन्ट कहा जाता है. नेक्स्ट, अ प्लांट शो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट शोज रिजॉइड एंड इज हैप्लॉयड. ठीक है, थैलस लाइक और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसकी ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं है. इट शोज राइजॉइड, राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होती है? हैप्लॉयड. इट नीड वाटर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल बिकॉज मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड इट मे बिलोंग टू. तो यहीं से आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर बोल दिया है कि लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर चाहिए, तो ये क्या हो सकता है? ये होंगे हमारे ब्रायोफाइट्स. ऑल द प्लांट शो थैलस लेवल ऑर्गेनाइजेशन. रिजॉइड होते हैं, हैप्लॉयड होता है और वाटर चाहिए होता है इसको अपनी साइकिल कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ब्रायोफाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ प्रोथैलस इज. प्रोथैलस क्या होता है? अ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट फॉर्म्ड बिफोर थैलस डेवलप. अ स्पोरोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट या गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट या अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट. तो आंसर होगा इसका सी, इन टेरिडोफाइट अ गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर. ये होगा इसका, अ गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट. अब देखते हैं है क्या ये. सो इन टेरिडोफाइट मियोसिस और रिडक्शनल डिविजन अकर एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. जब स्पोर बनते हैं तो वहाँ पर मियोसिस होती है. द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉयड गैमेटोफाइट जिसको प्रोथैलस कहते हैं. प्रोथैलस रिप्रेजेंट गैमेटोफिटिक फेज इन टेरिडोफाइट. ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रोथैलस क्या किसको एग्जिबिट करता है? ये गैमेटोफिटिक फेज जो होता है हमारी टेरिडोफाइट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस. दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिलस इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स एंड द ग्रुप रेफरेंस. यहाँ पर आपको बताए गए हैं फीचर्स और पूछा गया किस ग्रुप के हैं ये, क्या मोनोकॉट हैं, डायकॉट हैं, टेरिडोफाइट हैं, जिम्नोस्पर्म हैं. तो आंसर क्या होगा जी? जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स कौन से हैं? जिनके नेकेड सीड्स होते हैं, जो हमारा पाइनस है, साइकस है. तो प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन. एक्सट्रीम कंडीशन में होते हैं. दे हैव पॉइंटेड नीडल लाइक लीव्स. ठीक है, दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिलस इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन. द ग्रुप इन रेफरेंस जो बात कर रहे हैं वो जिम्नोस्पर्म की कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ. जो हमारे एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है उनका एम्ब्रियो सैक किससे बना होता है? ए
8 सेल्स, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई या 8 न्यूक्लियाई या 7 सेल 7 न्यूक्लियाई। तो आंसर इसका होगा हमारा बी। द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी क्रोमोसोम नंबर ऑफ इट्स एंडोस्पर्म। अगर डिप्लॉयड नंबर है 36 तो एंडोस्पर्म में क्या होगा क्रोमोसोम नंबर? 36 होगा, 18 होगा, 54 होगा या 72 होगा? तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ, डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है? 2n, ठीक है, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36 और द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म इज 3n, ठीक है, यानी कि 54। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको याद रखनी है जो ये बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर एंडोस्पर्म में 3n हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटोनीमा इज, क्या है प्रोटोनीमा? हैप्लॉयड एंड इज फाउंड इन मॉसेस, डिप्लॉयड एंड इज फाउंड इन लीवरवर्ट्स, डिप्लॉयड एंड इज फाउंड इन टेरिडोफाइट या हैप्लॉयड एंड इज फाउंड इन टेरिडोफाइट। तो आंसर वुड बी योर ए, हैप्लॉयड है और मॉसेस में पाया जाता है। तो इट इज़ द प्री डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस, इट इज़ गैमेटोफिटिक, जिसकी दो स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज प्रोटोनीमा स्टेज होती है और सेकेंड स्टेज होती है लीफी स्टेज, ठीक है। तो ये प्रोटोनीमा स्टेज को बताता है जो जुवेनाइल स्टेज होती है। मॉस प्रोटोनीमा रिजेंबल टू मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी इन स्ट्रक्चर, मॉस प्लांट डेवलप्स फ्रॉम प्रोटोनीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द जायंट रेडवुड ट्री सिक्वा सेम्पेरिवेरेंस इज, ये क्या है? एंजियोस्पर्म है, फ्री फर्न है, टेरिडोफाइट है या जिम्नोस्पर्म है? तो ये क्या है, अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा, इट इज़ वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो कि टॉलेस्ट ट्री स्पीसी है, ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में काम आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च इन रोडोफाइसी, मैनिटोल इज रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ विच ग्रुप ऑफ एल्गी। तो मैनिटोल हमारा ब्राउन एल्गी में पाया जाता है या सियोफाइसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमारी पाई जाती है वॉल्वॉक्स स्पायरोगायरा में एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लाइडोमोनास। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है सीड बेयरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक आ जाती है ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्लांट बॉडी इन हायर प्लांट इज वेल डिफ्रेंशिएटेड एंड वेल डेवलप्ड, रूट्स आर द ऑर्गन यूज फॉर पर्पज ऑफ अब्सॉर्प्शन, विच इज, वट इज द इक्विवेलेंट ऑफ रूट इन लेस डेवलप्ड लोअर प्लांट। तो जैसे लोअर प्लांट होते हैं उसमें रूट की जगह क्या होता है, लोअर प्लांट जैसे एल्गी है वहाँ पर हमारा होल्ड फास्ट होता है जो रूट की जगह काम करता है, होल्ड फास्ट। इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट, रेजोफाइट्स एंड इंस्टेड ऑफ रूट, ठीक है, रूट की जगह ये होता है। तो मोस्ट एल्गर जेनरा शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, नेम एन एल्गा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो बहुत से आपके एल्गल होते हैं जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, तो नेम एन एल्गा विच इज़ हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो एक्सेप्शनल है ये, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक करती है हमारी एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और कैल्प्स, और डिप्लॉन्टिक आ जाती है हमारी फ्यूकस, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन ब्रायोफाइट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड डैश एंड डैश। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं हमारी उसमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहा गया है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहा गया है। तो यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड होते हैं जो आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं। थैंक यू।